हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं इस पावर सप्लाई को एनालाइज करने वाला हूं कि हम इसको कितने इंच तक एलसीडी एलईडी टीवी में इस्तेमाल कर सकता हूं और ये क्या रिलायबल है हमारे एलसीडी एलईडी टीवी में इस्तेमाल करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो गाइस, अगर आप इसके कॉम्पोनेंट्स के ऊपर ध्यान दोगे तो कुछ ही कॉम्पोनेंट लगा हुआ है और उसके साथ साथ आप इसके जरिए अपना जो एलईडी बैकलाइट है वो भी आप यूज़ कर सकते हो और जला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एलईडी बैकलाइट जलाने के लिए भी आउटपुट दिया गया है। कुछ यहाँ पे एक जैक दिया गया है और यहाँ पे जैक दिया गया है। तो अगर हम सबसे मतलब इसको एनालाइज करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जिस पे ऊपर फोकस करनी है वो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसका नंबर आप देख सकते हो कि 5N60C इसका नंबर है। और इसका अगर डेटा शीट की अगर बात करें तो चलिए मैं आपको इसका डेटा शीट दिखा देता हूं और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके ऊपर हम कितने तक लोड दे सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो, ये हमारा इससे पावर सप्लाई का जो मेन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसका डेटा शीट। तो अगर आप यहाँ पर ख्याल करोगे कुछ यहाँ पर, तो इसका जो मैक्सिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज है 600 वोल्ट तक ये आउटपुट कर सकती है, मतलब ये झेल सकती है। अगर 600 वोल्ट से ऊपर हो जाएंगे आपका वोल्टेज तो ये बर्न होके ख़राब हो जाएंगे। और उसके बाद हम अगर इसका करंट की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट है ये 4.5 एम्पियर एंड मिनिमम जो एम्पियर है वो मिनिमम जो करंट है वो 2.6 एम्पियर। और इसका जो मतलब मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर है देख सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक ये अच्छे से काम करेगा। और उसके बाद 100 डिग्री से ऊपर हो जाएंगे तब ये हमारा अचानक से बंद हो जाएगा काम करने में और हमारा पावर सप्लाई का आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये हमारा काफ़ी अच्छा है मॉस्फेट दिया गया है जिसका नंबर है देख सकते हो 5N60C। और इसके अलावा अगर हम इसकी इक्विवेलेंट कोई अगर हम इक्विवेलेंट ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसके जगह पे आप देख सकते हो FQB5960C और FQI5N60C, दोनों के अंदर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो ट्रांजिस्टर है ये N चैनल मॉस्फेट है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये भी ट्रांजिस्टर ही है लेकिन ये मॉस्फेट एन चैनल मॉस्फेट है। तो इस तरीके का आप किसी भी पावर सप्लाई के अंदर उसका जो स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी है आप उसका डेटा शीट देख के आप फाइंड आउट और उसको एनालाइज कर सकते हो। अब इस पावर सप्लाई के ऊपर ध्यान दीजिए इसके आउटपुट पे। तो इसकी आउटपुट पे आप देख सकते हो आप 12 वोल्ट तक इन आउटपुट कर सकते हो और यहाँ पे कुछ जम्पर लगाने के लिए ऑप्शन दिया गया है जो कि यहाँ पे लिखा है 17 इंच 19 इंच एंड 22 इंच। मतलब इस पावर सप्लाई को आप 17 इंच से लेकर 22 इंच तक टीवी के अंदर या मॉनिटर या आपका कोई भी चीज़ है उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास 22 इंच यानी 24 इंच 30 इंच या 32 इंच टीवी है आपके पास या मॉनिटर है एलसीडी एलईडी के अंदर कोई भी है तो आप उसके अंदर इस पावर सप्लाई को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो इस तरह की पावर सप्लाई खरीद के आप अपना टीवी को ठीक कर सकते हो, तो अगर आपके पास छोटा छोटा है 17 इंची से लेकर 22 इंच तक, तब आप इसको बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात आते हैं कि क्या हम इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ या इसको मॉडिफाई करके हम कोई बड़ा वाला जो टीवी है या मॉनिटर है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं। तो इसका जवाब है बिल्कुल यस, क्योंकि अगर आपको किसी भी बड़े टीवी में इस्तेमाल करना है, मैक्सिमम मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा बड़े टीवी में इस्तेमाल करने के लिए क्योंकि इसका अंदर कंपोनेंट्स ज़्यादा नहीं लगा हुआ है जिसके अंदर आपको बहुत ही जल्दी ख़राब हो सकती है। तो अगर आप 22 इंच से ऊपर 24 हो गया, 28 हो गया, यानी कि 32 हो गया, अगर आप 32 इंच एलईडी के अंदर यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल कर रहे हो तब आप इस पावर सप्लाई को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो 3 कैपेसिटर लगा हुआ है इसको आपको चेंज करके देख सकते हो 16 वोल्ट लगा हुआ है तो आपको 24 वोल्ट वाला कैपेसिटर लगाना है। और इसके जगह पे आपको क्या लगाना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे इसको रिप्लेस करके लगाना होगा 6N60N चैनल पावर मॉस्फेट, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर है ये 4.2 एम्पेयर तक ये लोड ले सकती है
लेकिन अगर हम बात करें जो 6 and 60 जो पावर मॉसफेट है वो 6.2 एम्पेयर तक वो काम कर सकती है और उसका जो वोल्टेज है काम करने का वो 650 वोल्ट तक वो काम कर सकती है, तो इससे बेटर है वो। तो अगर आपको इसको बड़े टीवी में लगाना है और ये ज़्यादा हीट हो रहा है तो आप इसको रिप्लेस करके 6 and 60 वाला एन चैनल पावर मॉसफेट आप लगा दीजिएगा, तो आपका ये पावर सप्लाई बड़े टीवी में इस्तेमाल करने के लिए रिलायबल हो जाएगा। आई थिंक गाइस आपको पता चल गया होगा अच्छे से इस पावर सप्लाई के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो कर ही दोगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है पर्सनली तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों को रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस, वीडियो को आखिर तक